फिर से मिले थे आप और आप। अच्छा आप भी तो थे, आप तो इतने हिट हो गए हर जगह, आज तो क्या लग रहे पंडित जी, देखा कि नहीं आपने आपका वीडियो? देखो बहुत बढ़िया था ना। अगर उस दिन आप थोड़ा बता दे। अच्छा मैं अभी पूछना चाहती हूँ, अभी बिग बॉस आ रहा है ओटीटी पे, ये अलग रखो, सुनो बिग बॉस आ रहा है ओटीटी पे, ठीक है? इधर आओ, इधर आप भी घूम जाओ, थोड़ा जोर से सुनाएंगे। आप पंडित जी हैं, अभी बिग बॉस आ रहा है ओटीटी पे, बिग बॉस 15, ठीक है? करण जौहर जी पहली बार एंकरिंग कर रहे हैं, इससे पहले करण जौहर जी ने बहुत अच्छा शो किया कॉफी विद करण। अभी हमारे बिग बॉस तो सलमान खान है, ठीक है? अभी करण जौहर जी का शो आ रहा है ओटीटी पे, डेढ़ महीना चलेगा। आपको क्या लगता है ये जनता को कितना पसंद आएगा पंडित जी? मेरा हाथ देखिए बताओ क्या क्रॉस है उधर, थोड़ा जोर से बोलो। हाँ क्या बोल रहे, कितना पसंद आएगा जनता को? काफी लोगों को पसंद आएगा, पसंद आएगा, पसंद आएगा। अच्छा काफी लोगों को पसंद आएगा और बहुत पावरफुल। तो आप मुझे बताओ जो करण जौहर जो अपने बहुत अच्छा अलग अलग वो कपड़े पहनते हैं पंडित जी, कैसे पूरा एकदम हीरो लगते हैं ना, तो उनको क्या टोटका करना चाहिए कि जब वो शो पे जाए एंकरिंग करे तो नींबू मिर्ची लेके जाना चाहिए, समोसा लेके जाना चाहिए, कॉफी लेके जाना चाहिए, चाय लेके जाना चाहिए, डंडा लेके जाना चाहिए, हॉकी लेके जाना चाहिए, के कपड़े बदलने चाहिए? आकर्षण है, आकर्षण है, आकर्षण है, वैसा उसका आकर्षण। करण भाई आपका ये बिग बॉस शो हिट है, पंडित जी ने बोल दिया मतलब बोल दिया, आप बिग बॉस में जाएंगे सबका भविष्य के लिए? जाऊंगा। जाओगे? जाऊंगा। अच्छा मेरा भविष्य क्या है? मेरा भविष्य क्या है? उच्च है। तो एक बार बताओ क्या बिग बॉस 15 में हो गया? हाँ तीन चार महीने में काफी और भी। तो ये बताइए पंडित जी क्या बिग बॉस 15 में मैं जाऊंगी? जाऊंगी पंद्रह में। अच्छा ये बताइए मेरा पति कनाडा में है रितेश, शादी करके एक दिन वो इधर थे फिर वो भाग गए, भाग गए मतलब चले गए, तो क्या वो कभी आएंगे? आपके पैरों तक आएंगे, आपकी प्रचिति देख के आएंगे। मैं तो चाहती हूँ कि बिग बॉस में वो और मैं बिग बॉस 15 में जाएं, और फिर सलमान जी और बिग बॉस उनकी वाट लगाए, ठीक है? तो अभी आगे का भविष्य हम बाद में और करेंगे, ठीक है पंडित जी? अगले करोगे वैसे आपका हमारा सामना होगा। हाँ जरूर, वैसे मैं आज अभी आपका नंबर ले लेती हूँ, ठीक है? क्योंकि हमको कंटेस्टेंट आएंगे ना, देखते हैं ना कि वो क्या करने वाले हैं, सबका एक का भविष्य में समझ से अभी काफी लोगों का सुधार होगा। हाँ जिनके बारे में अभी एक इंटरव्यू दिया है शर्लिन चोपड़ा जी, इनका सुधार हो जाए तो हम गंगा नहा लेंगे। अभी आपके हाथ से अच्छे अच्छों का जो है कि छुट्टी होने वाला है। नहीं नहीं लॉकडाउन में ऑलरेडी 2 साल छुट्टी था, अब मैं चाहती हूँ सब लोग काम करें। काम करेंगे बस, ठीक है, ओके पंडित जी धन्यवाद, नमस्कार। मैं जाऊँ भाई? आज का डोज पूरा हो गया पंडित जी? आपका नंबर है मेरे ड्राइवर को दे देना, कहाँ गया? बाकी जी स्टूडियो ले लेंगे ऊपर, इनका नंबर ले लो ना कोई, तो ऐसा मत लो। अरे आप तो इधर छप गए, अभी ये क्या ले रहे पंडित जी? थोड़ा सामर है। तू मुझसे मिलने आए फिर लॉकडाउन हो जाए, तू मुझसे मिलने आए पंडित जी। अरे पंडित जी डांस तो करो यार, डांस हो जाए आपके बोलने से। क्या बोल रहे हो? पूछो बता बता पंडित जी को कितना गाना है? 6 मिलियन हो गया, 6-7 मिलियन, 6-7 मिलियन हो गया, 10 मिलियन तक जाएगा। 10 मिलियन आगे भी है। तू मुझसे मिलने आए फिर लॉकडाउन हो जाए, पंडित जी करो ना ऐसा, तू मुझसे मिलने आए फिर लॉकडाउन हो जाए। पंडित जी थोड़ा एक्सप्रेशन तो दो। दिया दिया बड़ी हस्ती जो है। ओके बाय 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 बाय, जा रहा था ऊपर, आप जाइए जाइए। जिम करते हो क्या पंडित जी? हाँ हाँ। अरे कोई तो नंबर ले रहा ना पंडित का। राम का है, राम पता नहीं किसके पास है, रावण के पास होगा ये राम, रावण तो इधर था। ओ बाबा, अरे भाग रही हूँ मैं। बाय 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 बेटा, राखी जी चलो गया। भाई ऑटो चला जा क्या।